नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूँ तक्षला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.4 क्लास 12 चैप्टर 3 के लेक्चर 3.4 के बारे में। ओके दोस्तों, पिछले सेशन तक हमने लेक्चर 3.3 में काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल और उसके आधार पे कुछ डेरिवेशंस थे, हम लोग ने वो देखे थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे ओम के नियम की व्याख्या। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग ओम के नियम की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहां पे एक बात साबित करेंगे, वो ये साबित करेंगे कि ओम का नियम वास्तव में सही है। ठीक है, वो पता है सही है, लेकिन हमको प्रूफ भी करना है। ठीक है, उसका एक रिलीवेंट प्रूफ देना है कि हाँ भाई, अगर ऐसा ऐसा है, ये कंडीशंस अगर होल्ड करती हैं तो ओम का नियम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों क्या बना है, ये एक चालक पदार्थ का टुकड़ा है और मैंने कहा था चालक पदार्थ का टुकड़ा बोला गया है, इसका मतलब आप समझ लीजिए वो है क्या, वो एक चालक पदार्थ है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्यों हो रही है विद्युत धारा प्रवाहित, क्योंकि उसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं। ठीक है, धातुओं के भीतर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न हो जाते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले वाले सेशन में, जब हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, ओके, चलिए भाई, तो देखिए अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। ठीक, आपने क्या किया, इस चालक पदार्थ के किनारों पर एक सेल को लाके जोड़ दिया। ठीक है, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव सिरा होता है और छोटी वाली लाइन जो होती है वो निगेटिव सिरा होता है। पॉजिटिव सिरे से ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक की लगी हुई है। ठीक है, ओके, तो आपने इसको एक सेल से जोड़ा है तो क्या होगा, देखिए ये वाला सिरा जो है वो सेल के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और ये वाला सिरा जो है वो सेल के निगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, तो होगा क्या, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, वो भागेंगे किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करेंगे, फिर पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर ये वायर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे, इतना काम करेंगे। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, ठीक है भाई, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन होगी किसकी, करंट की डायरेक्शन है ये। ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाया है ये करंट की डायरेक्शन है और फिर यहां से करंट आके इधर वापस और ये ऐसे। ठीक, चलिए भाई, तो अब देखिए जैसे आपने इस पर सेल लगाई है, तो सेल लगाया मतलब पोटेंशियल लगाया, अगर सेल का विभव V है तो पोटेंशियल V, पोटेंशियल कहां होगा, V पोटेंशियल यानी V विभव वाली सेल लगाई है आपने, तो ये पूरा विभव V जो है वो चालक के दोनों सिरों के मध्य स्थापित हो जाएगा, यानी दोनों सिरों के मध्य विभव नापेंगे तो कितना आएगा, V आएगा, जो कि सेल के विभव के बराबर है। ओके, चलिए दोस्तों, अब इतनी बात समझ आ गई, हमने मान लिया चालक खंड की लंबाई कितनी है, L है। ठीक भाई, चलिए, तो अब देखिए सेल के धनात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण ये वाला सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, या आप इसे बोल सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है। ठीक है, और ये वाला सिरा निगेटिव टर्मिनल पर है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। आपको पता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वैद्युत क्षेत्र अपने आप सेटअप हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने यहां पर सेल जोड़ा, यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा प्लस प्लस वाले साइड से माइनस वाले साइड की ओर, ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों पे ये वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो पता होगा कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेश क्यों रखा है तो उस पर कार्य करने वाला बल F बराबर क्यू इंटू ई होता है। कहां पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, ओके, तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश क्यों रखा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर क्यू इंटू ई। लेकिन दोस्तों यहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा,
अब ये तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, ठीक। और अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम को याद करिए। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू पी इंटू ए, ठीक है। और यहां पे ए क्या है, त्वरण है। देखिए दोस्तों, न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में कहा था कि किसी भी कण पर लगने वाला बल उस कण के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पे हमने मान लिया है एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहां पे दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन की गति को ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति पर ही बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का होगा और जो त्वरण है वो भी इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू त्वरण किया तो क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल मिल गया। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन और टू को बराबर करिए समीकरण एक और दो की तुलना, समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करने पर करिए जरा कितना हो जाएगा। देखिए ये भी F, F मतलब बल, E मतलब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। पहली समीकरण कह रही इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल स्मॉल e इंटू कैपिटल E होगा। दूसरे समीकरण न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार जो समीकरण आई है वो कह रही है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल एफ ई बराबर एम ई इंटू ए होगा, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक। क्या होगा स्मॉल e, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, एम ई इंटू ए इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है। यहां से जरा स्मॉल ए का, स्मॉल ए की वैल्यू निकालिए, स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम ई, ठीक है। चलिए भाई इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब हमने सेल नहीं लगाई थी तो क्या हुआ था, चालक पदार्थ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अपने परमाणुओं से अलग होने के बाद गति तो करे थे, लेकिन गति करने के बाद वो टकराए थे, टक्कर हुई थी, और टक्कर होने के बाद धीमे धीमे करके उनकी ऊर्जा मतलब उनकी गतिज ऊर्जा कम होने लगी और अंत में उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। और गतिज ऊर्जा शून्य होना या गतिज ऊर्जा बहुत कम होना मतलब वेग का बहुत कम होना। जब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम गतिज ऊर्जा बचेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत मंद गति से गति करेंगे, मंद वेग से गति करेंगे, या यूं कह लीजिए वो गति ही नहीं करेंगे, वो स्थिर अवस्था में रहेंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग कितना है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग U1 U2 U3 ऐसे ऐसे करके था। लेकिन जब हमने सेल लगा दिया, जब हमने सेल लगा दिया तो सेल लगाने के बाद क्या हुआ, सेल लगी तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र ने इस पर बल लगाया, इसलिए अब इनका वेग बढ़ गया। क्योंकि जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, न्यूटन ने कहा था, ठीक है। तो जैसे ही आप सेल लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बल लगाएगा, और वैद्युत क्षेत्र जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा तो इलेक्ट्रॉनों में अपने आप त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ रहा है। अब सभी इलेक्ट्रॉनों के, पहले हमने मान लिया था सभी इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग U1 U2 U3 अप टू UN है, तो बाद में बढ़कर क्या हो गया, U1 प्रारंभिक वेग था, पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U1 था, अब वो बढ़ के V1 हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U2 था, अब वो बढ़ के V2 हो गया। तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U3 था, अब वो बढ़ के V3 हो गया। ऐसे nवें इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कितना था, UN था, अब वो बढ़ के VN हो गया। सिंपल, ठीक है। तो यहां भी वही करना है, ठीक। देखिए दोस्तों, हम यहां पे गति की प्रथम समीकरण ही क्यों ले रहे हैं ये बात जानने वाली है, ठीक है। प्रथम समीकरण इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग चाहिए। अगर हम पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U1 था, अंतिम वेग कितना था, V1 था। हमें एक ऐसी समीकरण चाहिए जो U1 और V1 में संबंध दे, ठीक है, मतलब V और U में संबंध आए। तो और उसके अलावा और हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म नहीं चाहिए, बस समय आ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली समीकरण तो लगा ही रहे हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। दूसरे समीकरण की बात करते हैं, दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी भी रखनी पड़ेगी, और यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी निकालने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो काम बढ़ाने के जैसा हो जाएगा। तो इस वाले, इसलिए समीकरण दो को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और समीकरण तीन में देखिए, समीकरण तीन में अंतिम वेग आएगा, अच्छी बात है, प्रारंभिक वेग आएगा, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, त्वरण आएगा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहां पे फिर से वो चली गई दूरी आ जाएगी,
और चली गई दूरी हमें ना तो पता है ना कोई निकालने की आवश्यकता है, इसलिए हम ना दूसरे समीकरण को अडॉप्ट करेंगे ना तीसरे समीकरण को अडॉप्ट करेंगे, हम लोग केवल फर्स्ट समीकरण को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके भाई। तो गति की पहली समीकरण क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है ना दोस्तों। देखिए अब इसमें बात कर रहे हैं हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन की, तो u क्या होता है प्रारंभिक वेग, पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1, अंतिम वेग v1, ठीक है, और यहां पे त्वरण तो सबके लिए सेम है। और t क्या होता है दोस्तों, t होता है समय, लेकिन अभी आपने पढ़ा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, टकराते हैं भाई, है ना। जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला, अब रास्ते में ये आ गया, टक्कर मारी इसको, फिर टक्कर मार दिया तो दिशा बदल गई, गति की दिशा बदल गई, इस पे आए, इस पे टक्कर मारी, इस पे टक्कर मारी, इस पे टक्कर मारी, ऐसा टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो उनके टक्करों के बीच में, किसी दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांति काल। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला, पहली टक्कर यहां मारी, दूसरी टक्कर यहां मारी, तो पहली टक्कर मारने के कितने सेकंड बाद उसने दूसरी टक्कर मारी है, यही होता है शांति काल। ठीक है, पहली टक्कर मारने के कितने सेकंड बाद उसने दूसरी टक्कर मारी है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ वन वन मान रहे हैं, अंतिम वेग v1 माना, प्रारंभिक वेग u1 माना, और यहां पे हम समय मान लेंगे शांति काल को, हम यहां पे समय tau1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू यू टू प्लस ए इंटू tau2। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इसी तरह से हम लोग चलते चलेंगे और हम लोग बात करेंगे nवें इलेक्ट्रॉन के लिए, एक और लिख लेता हूं, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a इंटू tau3। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे और दोस्तों nवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू tau3। ठीक है, सॉरी n, तो vn इज इक्वल टू लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू tau n। ठीक, अच्छा अब इन सभी समीकरणों को मुझे जोड़ना है। ठीक है, इन ये जो सभी सेट हैं सभी को जोड़ना है मुझे। ठीक, तो दोस्तों इसको रफ करता हूं मैं, तो समीकरण को जोड़ने पर जोड़िए जरा, ये सारे समीकरण का जो सेट है इन सबको जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड वाले जोड़कर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वालों को जोड़कर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कितना है, ये है वी वन प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू यहां तक हम vn तक आएंगे। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात हो गई। इसके बाद यहां पे आइए, सबको u1 प्लस u2 प्लस u3 करके un तक जाएंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 करके कहां तक जाएंगे, हम लोग un तक जाएंगे। ठीक है, चलिए, और यहां पे देखिए जब आप a tau1 a tau2 a tau3 a tau n को जोड़ेंगे तो सब में a आ रहा है ना, वो कॉमन आ जाएगा, जब a कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस अप टू tau। ठीक है, चलिए भाई अब यहां पे करना क्या है हमको, देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम n से भाग कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों में हम n से भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहां पे n है क्या, स्मॉल n, यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, बल्कि यहां पे n क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, क्योंकि किसी चालक पदार्थ के भीतर करोड़ों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो n जो है वो बहुत ही हायर ऑर्डर का है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। ठीक है, चलिए, डिवाइडेड बाय n इक्वल, यहां आते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3। अब देखिए यहां पहले इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, तीसरे इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग और nवें इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, सबके अंतिम वेगों को जोड़कर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग कर रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको औसत ही तो मिलेगा। औसत कैसे मिलता है भाई, सभी संख्याओं का टोटल डिवाइडेड बाय कुल संख्याओं, कुल संख्या कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, यही तो होता है, यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है, सभी वेगों को जोड़कर
कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, ये अनुगमन वेग मिल जाएगा, ये औसत वेग, ये औसत नियत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अनुगमन वेग Vd। ठीक है, और देखिए दोस्तों U1 U2 U3 ये सभी इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन सेल लगाने से पहले बहुत ही धीमी गति से गति करते हैं, बहुत ही मंद वेग से गति करते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि वो गति ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो U1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, U2 मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इसी तरह से U3 मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, U4 U5 एंड लास्ट में UN मतलब nवे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग। ये सभी वेग इतने छोटे हैं और n का मान इतना ज्यादा है, जब किसी संख्या में अंश बहुत छोटा हो, हर बहुत ज्यादा हो, तो अंश छोटा हर बहुत ज्यादा, तो डिवाइड करने पर जो आएगा वो बहुत ही कम आएगा, यानी ये लगभग जीरो के बराबर आएगा। इसका कंट्रीब्यूशन, इसका योगदान इतना कम होगा कि उसे हम जीरो माने, बराबर ही है, हो ना हो सब बराबर है। ठीक है, बहुत छोटी संख्या निकल के आएगी। ठीक, ए। और यहां देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल, दूसरे इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल, तीसरे इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल, लास्ट में एनवे इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल बटे एन। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, सभी शांति काल को जोड़ने के बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप भाग कर रहे हो तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा शांति काल, औसत शांति काल। ठीक है, ये बनेगा टाउ। ठीक, चलिए भाई, अब यहां से देखिए क्या बन गया, ये वीडी इज इक्वल टू बन गया ए इंटू टाउ। ए का मान समीकरण एक से उठा के रख दीजिए। ठीक है, समीकरण एक से ए का मान रखने पर रखिए जरा कितना होगा, Vd इज इक्वल टू ए की जगह रखेंगे स्मॉल e इंटू कैपिटल e डिवाइडेड बाय me इंटू टाउ। ठीक है, me इंटू टाउ टू टाउ। अब देखिए यहां पे स्मॉल e अगर चालक के सिरों के मध्य विभव v है, चालक की लंबाई l है, तो v बटे l बराबर e होता है ना, यानी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, पहले भी प्रूफ कर चुका हूं, तो यहां पे लिखेंगे Vd इज इक्वल टू स्मॉल e अपॉन में me, ये तो अलग हो गया, इंटू v अपॉन में l और इंटू में टाउ अलग हो गया। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य था ओम के नियम की व्याख्या करना। दोस्तों ओम के नियम की व्याख्या तब होगी जब v बटे i बराबर कॉन्स्टेंट आ जाए। ठीक है, v बटे i बराबर कॉन्स्टेंट आ जाए, बस अगर इतना भी आ गया तो हम समझ जाएंगे v बटे i बराबर कॉन्स्टेंट है, और यही कॉन्स्टेंट तो प्रतिरोध होता है, यही कॉन्स्टेंट तो r के बराबर होता है ना, दैट इज ओके, समझ गए। लेकिन यहां पे देखिए दोस्तों, हमें v बटे i को नियतांक दिखाना है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन v तो है यहां पे, i का अता पता नहीं है। ठीक है, i का अता पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम यहां पे vd का एक ऐसा मान रखेंगे जिसमें i आता हो, तो vd का ऐसा मान जिसमें i आता हो, अभी अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक ड्राइव किया था फॉर्मूला, i बराबर कितना आ रहा था, NaE Vd। यहां से Vd का मान निकालिए कितना आएगा दोस्तों, Vd इज इक्वल टू आएगा I डिवाइडेड बाय NaE। ठीक है, ये हमको यहां रखना है। ठीक, चलिए अभी मैं इसको रफ करता हूं और हम लोग यहां पर आ जाते हैं। दोस्तों देखिए, Vd की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं I अपॉन में NaE। ठीक है, चलिए भाई, इक्वल कितना है, E अपॉन में me इंटू v अपॉन में l इंटू टाउ। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां से हम v अपॉन i की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, v अपॉन i इज इक्वल टू e इंटू l। ठीक है, me इंटू l अपॉन में n a e स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, I को नीचे भेज दिया, इन सबको उधर ले गए, तो एम एल ऊपर आ गया और एन ए इंटू ई मिलके ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इतने समीकरण बना लिए मैंने, दो बने थे और इसके बाद यहां पे हम इसको समीकरण नंबर तीन बन चुके हैं, इसको चार मानना पड़ेगा। चलिए समीकरण चार को जरा ध्यान से देखिए, अगर ताप, दाब और
मतलब ये सारी भौतिक अवस्थाएं जितनी है, ताप दाब वगैरह और सांद्रता, अगर ये सारी चीजें स्थिर रहे तो अगर सपोज करिए एक एक वन बाई वन को मैं एग्जामिन करता हूं, सपोज करिए अगर किसी चालक पदार्थ का ताप नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ताप फिक्स है, अगर ताप ना बढ़ाया जाए तो क्या इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या, हर एक वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स है, ठीक है, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों का घटे बढ़ेगा नहीं, ठीक। अच्छा, एल क्या है, चालक पदार्थ की लंबाई, वो भी परिवर्तित नहीं होगी अगर तापमान फिक्स है तो, ठीक है। और एन क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी फिक्स है। ए क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, वो भी फिक्स है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर ताप बढ़े चाहे ना बढ़े इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बदलेगा नहीं, वो भी फिक्स है। और टाउ, टाउ भी फिक्स है। इसका मतलब अगर ताप स्थिर रहे तो समीकरण चार का जो दायां पक्ष है, ये वाला पक्ष, ये पक्ष स्थिर रहेगा। और अगर ये वाला पक्ष स्थिर हो गया है तो यही पक्ष तो V बटे I के बराबर है, इसका मतलब V बटे I भी निश्चित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यही चीज लिखना है समीकरण चार से, यह स्पष्ट है कि समीकरण चार से यह स्पष्ट है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि स्थिर रहे तब समीकरण चार का दायां पक्ष क्या होगा, नियत होगा, अर्थात V बटे I बराबर एम ई एल अपॉन एन ए स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। और यही तो ओम का नियम होता है ना, कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब ये सब परिवर्तित नहीं होंगे तब चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभव और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम, ठीक। हम लोग ने ये तो समझ लिया कि अगर ताप दाब ये सब चीजें कांस्टेंट हैं तो V बटे I बराबर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, मान लीजिए हमने ताप को बढ़ा दिया तो क्या क्या होगा, ठीक है, वो तो हम जानते ही है कि अगर हम चालक पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो अब उसका जो प्रतिरोध है वो फिक्स नहीं रहेगा, V बटे I का मान फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, वो हमको समझना है, ठीक है। ओके, चलिए अब सपोज करिए, जैसे मान लीजिए एक रैली चल रही है, ठीक है, उस रैली में कई लोग हैं, सब लोग बढ़िया आराम से चल रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, ठीक। ओके, अब मान लीजिए आपने ऐसा कुछ किया कि रैली में भगदड़ मच जाए, ठीक है। तो जब भगदड़ मचती है दोस्तों, सब लोग रैंडमली भागने लगते हैं, इधर उधर कुछ नहीं देखते, बस अपनी जान बचा के भागते हैं। वैसे क्या होगा, तब जब भगदड़ मचेगी तो अब लोग ढेर सारी संख्या में है और आपस में टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं और जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं क्योंकि भगदड़ में कोई देखता नहीं है। बिल्कुल वही काम होने वाला है यहां भी, जब आप चालक पदार्थ को ऊष्मा देते हैं मतलब उसका ताप बढ़ाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसके भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा मिलती है और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद क्या होता है, उन ऊष्मा के कारण उनका वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है उनका वेग बढ़ता है तो अब आप तेजी से चलेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो वो जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, और जब वो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो दोस्तों शांतिकाल होता क्या है, शांतिकाल होता है दो टक्करों के बीच में लगा समय। आप मान लीजिए आपने पहले सेकंड पे एक टक्कर मारी, दूसरे सेकंड पे दूसरी टक्कर मारी और तीसरे सेकंड पे तीसरी टक्कर मारी, तो आप दो क्रमागत टक्करों के बीच में समय कितना ले रहे हैं, केवल एक सेकंड का, तो आपका शांतिकाल कितना हो गया, एक सेकंड हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पहली टक्कर मारी हो एक सेकंड पे, दूसरी टक्कर मारी हो 1.5 सेकंड पे, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में समय कितना है, 0.5 सेकंड। अब शांतिकाल घट गया, वही काम होगा, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो शांतिकाल घटेगा और टाउ का मान घटेगा तो V बटे I का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां से ये तो सिद्ध हो गया है कि ये ओम का नियम है, और दोस्तों ये जो कांस्टेंट आ रहा है यही कांस्टेंट किसके बराबर होता है, यही कांस्टेंट बराबर होता है चालक पदार्थ के प्रतिरोध के, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ और डेरिवेशंस छोटे छोटे, ठीक है। R इज इक्वल टू एम ई एल अपॉन एन ए स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। चलिए भाई, ये तो आर की वैल्यू हो गई, अब इसको भी एक समीकरण बना देते हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 5 थी, इसको हमने समीकरण नंबर 6 बना दिया। अब दोस्तों आपको पता है ना, आर का मान ये होता है, ठीक है, कहां से निकल के आया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे हमने निकाला है। और दोस्तों ये वाला फॉर्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे देगा, और ना भी दिया हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद करिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू आपको पेपर में दी हो से तो दी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों किसी कांस्टेंट की जरूरत हमें पढ़ने वाली होती है और वो कांस्टेंट हमें नहीं दिया जाता, ठीक है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होना भी चाहिए, ठीक। चलिए तो Me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे दिया जाएगा, L का मान दे देंगे, N का मान, A का मान, E का मान, tau का दे देंगे और R का मान पूछ लेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है कि R बराबर ME into L upon N A E square into tau, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलिए तो आपको केवल देखिए दोस्तों, मैं एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको चार फॉर्मूले याद करवाऊंगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आपको केवल इतना याद करना है कि जब भी हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करेंगे, तो ओम के नियम की व्याख्या करने पर V बटे आई बराबर एम ई, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम ई इंटू एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ आएगा, ठीक है। और V बटे आई का मान एम ई इंटू एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ जो आ रहा है, यही R के बराबर है, तो R बराबर इतना हो गया, ठीक। केवल एक फॉर्मूला याद करिए इसके हेल्प से, बाकी तीन आप खुद बखुद याद। आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों वन अपॉन आर, पहले इसका रिवर्स किया, वन अपॉन आर, जब इधर रिवर्स किया है तो राइट हैंड साइड भी तो पलट जाएगा ना पूरा खेल, और ये पलट जाएगा कितना हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। चलिए अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एम ई इंटू एल, ठीक है। अच्छा वन अपॉन आर बनता क्या है, वन अपॉन आर क्या बनता है, वन अपॉन प्रतिरोध मतलब चालकता, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चालकता स्मॉल जी, ठीक है। चलिए भाई इक्वेशन नंबर सात, अब क्या करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं रो की, मतलब आपने पढ़ा है ना दोस्तों जैसे विद्युत प्रतिरोध होता है वैसे विद्युत चालकता होती है। R का मान हमने निकाल लिया, R के लिए फॉर्मूला निकाला, उसका रिवर्स कर दिया, वन अपॉन आर दैट इज जी बन गया, जी इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू एल, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से जैसे प्रतिरोध होता है और चालकता होती है, इसका ही इसी से जुड़ी हुई और चीजें हैं, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है और वहां पे विशिष्ट चालकता होती है, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला यहीं से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए करना क्या है, रो बराबर कितना होता है, रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है, यही होता है। चलिए भाई अब आप करना क्या है, ये समीकरण देख रहे हैं ना, समीकरण छह, समीकरण छह में आर बराबर आपको कितना दिया है, आर बराबर दिया है एम ई इंटू एल अपॉन में एन ए e स्क्वायर इंटू टाउ। आपने क्या किया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a अपॉन l से, यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a अपॉन में l से a कटेगा, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया रो, तो रो इज इक्वल टू एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और l से l भी कट रहा है ना, सॉरी l बचेगा ही नहीं, हाँ ठीक है। कितना आया, रो इज इक्वल टू एम ई अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, इक्वेशन नंबर आठ, ठीक। देखिए आर का मान पता था, जी का मान मिल गया, आर का मान पता था, ए बटे एल से दोनों तरफ गुणा करके इसको सॉल्व कर लिया, रो का मान मिल गया। अब रो मिल गया है दोस्तों तो करना कुछ नहीं है, वन अपॉन रो कर दीजिए, वन अपॉन रो इज इक्वल टू, इसको रिवर्स किया है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, इसका इन्वर्स करिए या रिवर्स करिए कितना आएगा, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। और वन अपॉन रो क्या बनता है, सिग्मा बनता है, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा, इक्वेशन नंबर नाइन, ठीक है। चलिए भाई तो आर का मान मिला, आर का मान केवल याद करिए, वन अपॉन आर कर दीजिए, जी का मान मिल जाएगा, आर की वैल्यू के हेल्प से आप रो निकाल सकते हैं, वन अपॉन रो कर देंगे, सिग्मा मिल जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों तो ये टॉपिक यहां कंप्लीट होता है और इसी के साथ इस सेशन को भी हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।